नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। मित्रों, दोबारा लाइफ आने का कारण है क्योंकि जिस हिसाब से मेरे पास बेतहाशा कॉल लोगों के आ रहे हैं और जिस तरीके से लोग मुझसे मदद मांग रहे हैं, मेरे भाइयों, मैं बार बार ही कह चुका हूं कि मेरे पास कोई साधन नहीं है। और जिस तरीके से लोगों ने केंद्र सरकार को मदद किया है, उस हिसाब से लोगों तक मदद नहीं पहुंच रही है। ये भी कड़वी सच्चाई है, क्योंकि पता नहीं किस वजह से नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक अलग से अकाउंट खुला के उसके अंदर डोनेशन देश की जनता से, उद्योगपतियों से मांगा और बेतहाशा उसके अंदर पैसा मिला। लेकिन उसके बाद भी 3 टाइम का खाना सरकार मुहैया लोगों को नहीं करवा पा रही है, मजदूरों को नहीं करवा पा रही है। क्योंकि वो मजदूर रोते बिलखते मेरे पास, क्योंकि मेरा फोन नंबर जो है फेसबुक पे लोड है, उसके माध्यम से लोग मुझे कॉल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न कह रहे हैं कि भैया ये कैसे गरीब हैं, कैसा मजाक बना रखा है कि लोग जो जाते हैं बाहर कमाने के लिए, क्या वो 15-20 दिन का राशन नहीं इकट्ठा खरीद के रख सकते? क्या वो 1 महीने का खाना खर्चा नहीं रख सकते हैं? अच्छा प्रश्न है, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं कि यदि वो लोग इतने ही धनवान होते तो शायद वो बाहर राज्यों में कमाने नहीं जाते। जिनके घर पे 4 बच्चे हैं, घरवाली है, माँ है, बाप है, वो व्यक्ति जाता है बाहर कमाने, क्योंकि जिसके पास जमीन जत्था बिहार में नहीं है, वो व्यक्ति दूसरे प्रदेशों का रुख करता है। क्योंकि बिहार में आज के टाइम में एक उद्योग नहीं है, किसी भी तरह से छोटा बड़े से बड़ा कोई उद्योग नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है। सरकार चाहे आज 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की हो बिहार में, नीतीश बाबू की, या उससे पहले माननीय लालू प्रसाद जी की, 15 साल लालू प्रसाद जी ने बिहार में राज किया, यह कड़वी सच्चाई। और 90 के अंदर जब माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी बिहार के बने, तो उसी टाइम के अंदर जितने भी बिहार में उद्योग थे, तो सबसे पहले बंद करने का काम माननीय लालू प्रसाद जी को ही श्रेय जाता है। उसके बाद जंगल राज करके नीतीश कुमार ने खूब हल्ला मचाया, भारतीय जनता पार्टी ने खूब हल्ला मचाया, बिहार में जंगल राज है। बिहार की जनता ने इनको पिछले 15 साल से चुना है, लेकिन उसके बाद भी ये सरकार ने क्या एक उद्योग लगाने का बिहार में काम किया? एक उद्योग? मैं जानता हूं गोबर भक्त मुझे गाली देंगे, मैं गोबर भक्त इसलिए कहता हूं कि उनको पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, वो गाली देंगे, मुझे गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आवाज उठा रहा हूं अपने लोगों के लिए, गरीब आदमियों के लिए, इस देश की गरीब जनता के लिए, जिस गरीब जनता के लिए नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे गरीबों का हवाला देके। मैं एक गरीब का बेटा हूं, मैं एक चाय वाले का बेटा हूं, मैंने चाय बेचा है, मैंने क्या कहते हैं 35 साल भीख मांग के खाया है। ये सारे बयान मेरे नहीं, मोदी जी के स्वयं के हैं। मैं पहाड़ों पे तपस्या किया, मैं स्कूलों में पढ़ाई किया। अब सोचने की बात है ना, बहुत सारी सोचने की बात है। चलिए अभी इस पे हम बाद में आएंगे, बात करते हैं गरीब आदमियों की, क्योंकि मोदी जी कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, लेकिन मैं बात करूंगा आज इस वीडियो में ज्यादा सिर्फ और सिर्फ गरीब परिवारों के विषय में। तो बिहार की हमारी जो स्थिति है समझ लीजिए, 1972 में, मैं क्यों बोलता हूं इतना समझ लो भाई, 1972 में मैं दिल्ली गया था अपने परिवार के साथ, क्योंकि स्थिति हमारे यहां की अच्छी नहीं थी। तो मैंने जगह भी आपको बता रहा हूं, आज भी वो लोग जिंदे हैं, दयाबस्ती में, त्रिनगर के इंदरलॉक के बगल में दयाबस्ती है, दोनों के बीच में इंडस्ट्री एरिया है, मैं वहां रहा हूं। और वहां पे उस उम्र में, 6-7 साल की उम्र थी,
इस धनेश्वर महतो ने रोड पे कचरा बीनने का काम जानता हूं। कैसे हमारा परिवार उस टाइम चलता था मैं जानता हूं। मैंने 5 रुपए तनख्वाह पे काम किया है उस उम्र में। मैंने चाय की दुकान पे कप प्लेट धोया है। मैं जानता हूं गरीबी क्या होती है। मैं मोदी की तरह भाषण नहीं देता हूं। उस चाय वाले की दुकान आज तक किसी ने दुनिया में देखी ही नहीं। और सोचिए, एक चाय वाले का 2 मंजिल का मकान था 1973 में। 1973 के अंदर कितने परसेंट आदमियों के पास 2 मंजिल का मकान था, आप सोच सकते हैं। और ये चाय वाले का बेटा 35 साल भीख कम मांगा पता नहीं। चलिए फिर वही मैं घूम फिर के आ गया। तो मैं बता रहा हूं, दिल्ली के अंदर जब मैं मजदूरी करता था, 1 महीना यदि मैं मकान किराया नहीं देता तो मकान मालिक पूरा भाई बुरा मत मानना डंडा दे देता था, यानी खूब खिंचाई करता था, भद्दी भद्दी गालियां ये सब ये होते थे। दूसरी चीज, जो आदमी यहां से अपने परिवार को छोड़ के बाहर गया है कमाने, वो हर व्यक्ति अगर महीने की पगार मिलती है, जिसे हम वेतन कहते हैं, जिसे हम तनख्वाह कहते हैं, वो व्यक्ति 15 दिन का पैसा अपने पास रखता है, 1 हफ्ते का पैसा रखता है, और जो बाकी 5,000, 7,000 या 10,000 रुपये उसको वेतन मिलता है, उस वेतन में वो अपने माँ बाप बाल बच्चे और घरवाली के लिए हर महीने वो पैसा ट्रांसफर करता है। अब बैंकों के माध्यम से होता है, पहले डाकखाने के माध्यम से होता था, क्योंकि ATM की सुविधा हो गई है, तो हर व्यक्ति महीने में अपने घर पैसा भेजता है। ऐसे में मोदी जी ने 22 तारीख को लॉकडाउन किया था, जो कोई वेतन का टाइम नहीं है, वो एडवांस का टाइम है। और दिल्ली में कोई बहुत कम कंपनियां ऐसी हैं जो 22 तारीख को एडवांस देती हैं, नहीं तो वो 25 तारीख से पहले लोगों को एडवांस भी नहीं देती है। ये कड़वी सच्चाई कह रहा हूं। 30 तारीख क्या बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मतलब 22 क्या 30 तारीख तक लोगों को एडवांस मिलता है, और उनका 20 दिन का 25 दिन का पैसा कंपनियां रोक के चलती है। वैसे में उन कंपनियों ने उनको एडवांस नहीं दिया, उनको खाने के लिए नहीं दिया, उल्टे वो कंपनी वाले उनको, कंपनी बंद हो गई है तो वो वेतन देने वाले नहीं है, चाहे सरकारें जो भी कह लें, इक्का दुक्का का मैं कहूंगा नहीं। मकान मालिक ऐसे हैं कि अगर उनको आपने 1 महीने का एडवांस नहीं दिया तो 99% दिल्ली में मकान मालिक ऐसे हैं कि उसका बर्तन उठा के फेंकते, उसको देर नहीं लगेगा। तो वैसे में वो व्यक्ति ना उसको कंपनी से एडवांस मिला और ना ही क्या कहते हैं सरकार की तरफ से मदद मिला। तो जो व्यक्तियों ने मकान से बाहर कर दिया, उसके बाल बच्चों को आपने हजारों के हिसाब से वीडियो देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे, कोई कंधे पे उठा के जा रहा है, कोई सर पे सामान रख के जा रहा है, और आप सोच लीजिए कि स्थिति कितनी नाजुक देश में हुई है, जो लोग 2,000 किलोमीटर पैदल चलने को विवश हो गए। इसका ऊपर क्या सरकार का जवाबदेही नहीं बनता है? क्या सारे मोदी मोदी के भजन गाने लग जाए भाई? क्या मैं मेंटल हो गया हूं क्या? अगर ये देश की जनता को समझ में नहीं आ रहा तो क्या सारे विपक्षी दल भी मोदी की तरह या उसके भक्तों की तरह मेंटल हो गए हैं? मोदी ने कब गरीबी देखी जो देश की जनता का गरीबी समझेगा भाई? सुबेरे से लेके कम से कम 100 कॉल की रिकॉर्डिंग दे दूंगा भारत सरकार और कहे नीतीश कुमार की सरकार, तो जो मेरे पास मदद के लिए आए लोग कॉल कर रहे हैं, तो क्या ये जवाबदेही नीतीश कुमार की सरकार की, बिहार सरकार की नहीं बनती है? क्या ये जवाबदेही केंद्र सरकार की नहीं बनती है? भैया जब मोमबत्ती जलाने के लिए आप 2 दिन का समय देते हो, घंटा घंटी बजाने के लिए आप 3 दिन का समय देते हो कि भैया बढ़िया से तैयारी करो,
तो आप लॉकडाउन करने के लिए कम से कम क्या 3 दिन या 5 दिन का मोदी जी क्या आप टाइम नहीं दे सकते थे देश की जनता को? ऐसा कौन सा नाजुक स्थिति हो गया? और क्या अभी नाजुक स्थिति नहीं है? आपने तो एक कहावत है, अनाड़ी का खेलना खेल का सत्यानाश। अरे जिसका आगे नाथ न पीछे पग्घा वो देश चलाना जानेगा? ये मैं नहीं मानता हूं, दुनिया मान ले, मैं नहीं मानता हूं, मैं नहीं मानता हूं कि मोदी के पास देश चलाने का अनुभव है। यदि देश चलाने का अनुभव होता तो 6 साल में भट्ठा गोल, क्या कहते हैं, लुटिया गोल, डब्बा गोल, लुटिया, ऐसे ही कुछ सब चीज खत्म कर दिया देश का विकास दर का। एक चीज मनमोहन सरकार को लोग बहुत गालियां देते थे, लेकिन मैं याद दिला दूं आपको, मैं कांग्रेस में नहीं हूं, मेरा खुद का राजनीतिक दल है, लेकिन जहां जिसने जो अच्छे काम किए होंगे मैं जरूर तारीफ करूंगा। अटल बिहारी जी बहुत बहुत बेहतर लीडर थे, मैं उनकी भी तारीफ करता हूं, लाल बहादुर शास्त्री की भी तारीफ करता हूं। और एक चीज और, मैं महात्मा गांधी जी की इज्जत करता हूं, साथ साथ मेरे विचारधारा यदि किसी से को मैं पसंद करता हूं तो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस को पसंद करता हूं, मैं उनकी विचारधारा को पसंद करता हूं। तो इसीलिए जो व्यक्ति मुझे धमकी देते हैं वो ऐसी गलती ना करें। याद है क्या नारा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। तो ये चीज आप समझिए। और भैया बार बार कॉल करके डिस्टर्ब अभी मत करो, मैं वीडियो बना रहा हूं। तो देश की स्थिति अगर सबसे ज्यादा कहीं से कॉल मुझे आया है तो सबसे ज्यादा कॉल गुजरात से आया है मदद मांगने का। तो गुजरात सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। 1-2 दिन से नहीं है, 27 सालों से कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात में। तो यदि वहां के मजदूर, उनको दिया क्या जा रहा है खाने के, उसमें 2 पूड़ी इतनी बड़ी बड़ी, यानी दो बार दो कौर जिसे कहते हैं, दो निवाला खाए 24 घंटे में। एक मजदूरी जो 12 घंटे की मजदूरी करता है, उस व्यक्ति को यदि हम 1 महीना दो दो निवाला देंगे तो वो कितने दिन जिंदा रहेगा माननीय प्रधानमंत्री जी? ये बहुत तर्क वाला प्रश्न है। और मैं उन व्यक्तियों से कह रहा हूं जो मेरे से बहुत सारे सवाल के जवाब मांग रहे हैं कि आखिर मैंने मोदी जी का पुतला क्यों फूका, क्यों मैं विरोध करता हूं, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि जो मजदूर 12 घंटे मजदूरी करता है वो व्यक्ति को 2 पूड़ी इतनी इतनी बड़ी यदि 24 घंटे में हम देंगे तो वो कितने दिन तक जिंदा रहेगा? ये जरा थोड़ा सा अगर गोबर को दिमाग से निकाल के थोड़ा सा सोचोगे तो बहुत सारे सवाल का जवाब। भाई मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं 10 मिनट बाद कॉल करें, मैं वीडियो पे हूं। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि 2 पूड़ी वो कितनी देर, कितना, जो बच्चा साल का होता है ना, 1 साल या 2 साल का, वो भी 2 पूड़ी खा जाता है, एक रोटी खा लेता है। तो जो व्यक्ति क्या कहते हैं 12 घंटे की मजदूरी करता है उसे निश्चित 5-7 रोटी, एक अच्छी खासी मोटी रोटी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेहनती काम होता है। तो भारत सरकार से, खास तौर से मैं गुजरात सरकार से अपील कर रहा हूं, ठीक है हमारे बिहार का दुर्भाग है कि हमें अच्छे लीडर नहीं मिले, ये मेरा नहीं, मैं आपको दूसरे प्रदेशों की सरकार को मैं दोषी नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि पिछले 70 सालों में ये मेरे बिहार के दुर्भाग है कि हमें अच्छे लीडर नहीं मिले। यदि आज हमारे अच्छे लीडर मिले रहते बिहार से, और तमाम मंत्री बने हैं हमारे बिहार से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद भी
आज भी मंत्री है केंद्रीय, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे देश का ये बिहार का दुर्भाग्य रहा है कि हमें अच्छे लीडर नहीं मिले हैं, जिस कारण से आज हमारे देश ये बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, भद्दी भद्दी गालियां सुनते हैं वहां पे, क्योंकि इसलिए सुनना पड़ता है उन लोग को क्योंकि पर्सन उनको अपने बाल बच्चे का रहता है, उनका पेट भरने का रहता है, तभी वो मजदूरी करने बाहर जाते हैं अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए, कोई शौक से नहीं जाता है बाहर के राज्यों में, किसी को शौक नहीं है कि अपने बाल बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के वो दूसरे राज्यों में जाए मेहनत मजदूरी करने। शायद इसीलिए मैंने भारतीय मित्र पार्टी का गठन किया है, सुन लीजिए बिहार की जनता, आप समझिए क्यों मैं बोलता हूं। मैंने भारतीय मित्र पार्टी का इसलिए गठन किया है, जरूरत है हमारे बिहार में एक नए उसकी, क्योंकि मेरा एक संकल्प है कि मैं बिहार की जनता को बाहर प्रदेशों में कमाने खाने के लिए नहीं जाने दूंगा, यदि बिहार की जनता ने मौका दिया, समय है। तो इसलिए गरीबी, एक गरीब ही दूसरे गरीब का हाल जान सकता है, और वो व्यक्ति कभी जान ही नहीं सकता जो दिन में चार बारी कपड़े ड्रेस पहने, जो एक बारी कपड़ा उतार के फेंक दे कभी दोबारा पहनता ही नहीं, वो व्यक्ति गरीबों का हाल जान सकता है। अरे जब नरेंद्र मोदी पे मैं आ गया फिर से, जब 14 साल की उम्र में वो घर छोड़ के जेवर लेके भाग गया, घरवाली को छोड़ के भाग गया, तो फिर वो देश का कैसे हो सकता है भाई। इसीलिए विरोध करता हूं मैं मोदी जी का, अपना ले आज भी अपनी पत्नी को, शादीशुदा होते हुए भी उसने विधवा की जिंदगी गुजारी है, क्या यह सच नहीं है? एक शादीशुदा स्त्री यदि इतिहास में नाम दर्ज होगा तो नरेंद्र मोदी का ही, यदि इतिहास में नाम दर्ज होगा कि कौन सा भारत का ऐसा प्रधानमंत्री था जो शादी करने के बाद भी उसने कभी अपनी पत्नी को नहीं अपनाया, तो वो श्रेय नरेंद्र मोदी को ही जाएगा। ये देश की कड़वी सच्चाई है भाई। मेरी बात लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों विरोध करता हूं केंद्र सरकार का। मैं अपनी लाइफ में यदि किसी भी नेता का सबसे ज्यादा इज्जत किया होऊंगा तो वो बिहार के मुख्यमंत्री का। मुझे बहुत आस था कि एक लीडर, क्योंकि मुझे आस इसलिए हुआ नीतीश कुमार पे कि मैं, याद है मुझे जब वाजपेयी जी की सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, तो उस टाइम के अंदर 2-3 रेलगाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो मुझे लगा नहीं, इसके अंदर मानवता है, नीतीश कुमार जी के अंदर बिहार के प्रति और लोगों के प्रति हमदर्दी है, तुरंत इस्तीफा दे दिया था। तो इसीलिए मैं इज्जत करता था। लेकिन अभी 2015 में आरजेडी के साथ तालमेल करके चुनाव लड़ने वाले और ये कहने वाले कि भैया मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन कभी भाजपा में नहीं जाऊंगा, तो क्या मुख्यमंत्री जी आपकी जुबान पे विश्वास करे, और क्यों देश की जनता, बिहार की जनता आपकी बातों पे विश्वास करे? ऐसा क्या कर दिया आपने? तो थोड़ा सा, और खासतौर से जो अभी हमारे, कल ही मैंने एक वीडियो देखा है गया का, गया जिले का, एक महिला, जैसे मेरे अभी पोते के साथ 20-25 दिन पहले हुआ था मेरे पोते की मृत्यु, अस्पताल उसे भर्ती नहीं लिया, उसी तरीके से कल ठीक वही घटना गया में दोहराया गया। एक बच्चे को लेके औरत रोड पे रोती हुई जा रही है, उसका बच्चा बच नहीं पाया। तो ये सिस्टम किसका खराब है? बिहार सरकार का खराब है ना। उस बहुत बच्चे की मौत का जिम्मेदार मैं बिहार सरकार को मानता हूं, गिरी हुई बिहार की व्यवस्था को मैं मानता हूं। तो ये सब चीजों के लिए राजनीतिक दल हमने बनाया है क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, जय श्री राम, जय माँ भगवती। माँ भगवती आप सबको सद्बुद्धि दे, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। जय हिंद।